हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज ऐसे दो शेयरों की बात करेंगे जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, प्लस में ज़ीरो मतलब 1 रुपए का भी उनके ऊपर कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, और जिनका जिन्होंने अभी पिछले अभी 2-3 साल में ही ये कंपनियां लिस्ट हुई है, और जो ये लिस्ट हुई है तब से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए है और फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। तो हम ऐसे दो कंपनी दो शेयर की बात करेंगे, दो ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो बिफोर गोइंग अहेड, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमें इस तरीके की वीडियो आपके सामने लाते रहूँ। तो हम पहले शेयर की बात कर लेते हैं। तो पहला वो शेयर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज ये 614 रुपये मतलब 614 रुपीज़ पर चल रहा है। 11 पॉइंट्स की इसमें जंप भी देखी गई है, मीन्स 1.91% की। और जैसे कि आपको परफॉर्मेंस आपको दिख ही रहा है आपके सामने, अगर हम इसके मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी 2017 17 नवंबर 2017 मतलब 17 नवंबर 2017 को 344 रुपीज़ पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और आज लगभग 3 साल इसके नवंबर में जैसे ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो ज़्यादा पुरानी ये कंपनी नहीं है जो, और जैसे कि आप देख रहे हैं 622 इसका ऊपर सबसे हाई भी है। तो आप देखिए, 3 साल में इसने मतलब लगभग लगभग 70-80% तक के रिटर्न इसने दिए है। कहाँ ये कंपनी 344 पे लिस्ट हुई थी और आज ये लगभग 614 रुपये पे ये स्टैंड कर रही है। आज का इसका एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 52 वीक लो इसका 23 मार्च को 340 रुपये था, और 52 वीक हाई 647 रुपीज़ 28 जुलाई को, ये पिछले मंथ ही 28 जुलाई को 647 रुपीज़ इसका हाई, 52 वीक हाई भी था। तो आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी है कि जैसे ही पेंडामिक आया और COVID-19 आया और मार्केट जैसे ही क्रैश हुई थी, तो क्रैश होते सर विद इन 3 मंथ्स इसने किस तरीके से रिकवरी करी है, किस तरीके से इसने अपना 52 वीक हाई भी बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा शेयर है। और इवन ये शेयर निफ्टी 50 का भी पार्ट अभी देखने को मिला, मतलब 3 ईयर्स में ही, विद इन 3 ईयर्स ये निफ्टी 50 का एक पार्ट बन चुका है। तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। इसके अलावा हम डिलीवरीज की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन ही 34.75% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, प्रमोटर्स के पास 60.41% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स ने थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी बेची है 3 पॉइंट समथिंग% की, तो अभी भी ये 60.41% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 39.56% की इसमें हिस्सेदारी है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, तो कोई भी यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहा है, कोई भी शेयर इन्होंने प्लेज नहीं किया है, कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं रखा हुआ है। और डिविडेंड के मामले में जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 2017 में भी इन्होंने 1.36 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, फिर उसके बाद 2019 में भी इन्होंने अभी 1.63 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया। और ज़्यादा जैसे कि आपको पता ही है, अभी 2 साल से ज़्यादा ही हुए, 3 साल भी नहीं हुए इस कंपनी को अभी लिस्ट हुए। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसके अलावा इसके एक बार बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो रिजर्व्स देखिए, क्या रिजर्व्स 2016 में 13 करोड़ के रिजर्व, फिर 1840 के रिजर्व, फिर 2736 के रिजर्व, 3637.87 के रिजर्व, और अब देखिए 4775.53 करोड़ के रिजर्व, लगभग लगभग 5 करोड़ के रिजर्व इसके अभी होने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रिजर्व किस तरीके से कंटिन्यूसली इसके बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लोन की बात की जाए, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी लोन इसके पास नहीं है। ओके, कोई भी लोन जीरो जीरो लोन है और डेट फ्री कंपनी है। और कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं। तो कैश एंड बैलेंस जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 646, 796, 1108, 1239, और फिर अभी इसके कैश एंड बैंक बैलेंस में थोड़ी सी गिरावट है, और जैसे कि हाफ हो गए, 679.87 करोड़ रुपीज़ इनके पास अभी भी कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में नज़र बना के रख सकते हैं।
ओके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। विद इन 5 to 10 years इसका फ्यूचर अलग ही होगा। ओके और बहुत जल्दी ये कंपनी, अभी जो ये आपके सामने दिख रहा है 614, तो बहुत जल्दी ये 1000 rupees भी क्रॉस कर लेगी। इस तरीके की ये कंपनी है। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, SBI कंपनी काफ़ी, SBI जो बैंक है काफ़ी धीरे चलता है, बट SBI लाइफ का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। SBI लाइफ बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 day का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, 0.335 की इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। मैक्सिमम देख लेते हैं एक बार हम इसका, तो ये कंपनी भी 6 अक्टूबर 2017 को ये 696.75 rupees पर ये आपको लिस्ट होती हुई दिखाई देती। इसके अलावा इस यहाँ पर गिरावट हुई, बट चार्ट पैटर्न देखिए इसका क्या चार्ट पैटर्न है। और अभी जब ये पैंडामिक हुआ था तो 27 मार्च को ये कंपनी केवल 602 रुपये में आपको मिल रही थी। बट अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री है, इस वजह से इस कंपनी ने फिर दोबारा जंप लगाई और इसने 912 रुपये तक हाई इसने लगाया। एक बार मैं आपको NSE की साइट पे जाके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 52 वीक लो इसका 519 रुपये 19 मार्च को था। बट अच्छी कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छी कंपनी है, तो आज भी ये अबाउट 900 के आसपास चल रही है। और 52 वीक इसका 1030 रुपीज़ अक्टूबर में हुआ करता था। ओके और डिलीवरीज की बात कर लेते हैं, तो 51.27% की आज डिलीवरीज भी उठाई गई है। इसके अलावा एक बार कंपनी इंफॉर्मेशन में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास 60.7 की इसमें परसेंटेज की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। इसके अलावा पब्लिक के पास 39.30% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रख रखा है, कोई भी शेयर इन्होंने प्लेज नहीं कर रखा है। डिविडेंड इस कंपनी ने शायद अभी तक दिया नहीं है, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे नहीं रखी। बट एक बार हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट जैसे कि मैं आपको रिजर्व्स दिखा देता हूँ, क्या बेहतरीन रिजर्व्स है। 37.33 करोड़ के रिजर्व्स, 4464 करोड़ के रिजर्व्स, 5527 करोड़ के रिजर्व्स, 6576 करोड़ के रिजर्व्स, 7743 करोड़ के रिजर्व्स। मतलब इनके रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली इसके रिजर्व्स विद इन 3 ईयर्स क्या परफॉर्मेंस दिया है कि इसके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आप एक बार इसके लोन की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया किसी भी तरीके का कोई भी लोन इनके पास नहीं है, तो डेट फ्री कंपनी है, किसी का कोई कर्जा नहीं देना है इन्हें, तो बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस की एक बार बात कर लेते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस की तरफ आप नज़र देख सकते हैं। 2016 में 2616 करोड़ थे, फिर 17 में 2429 करोड़, फिर 2644 करोड़, 2420 करोड़, और अभी कैश एंड बैंक बैलेंस में जरूर गिरावट है, बट अभी भी 1423.23 करोड़ के रिजर्व्स ये अपने पास रखती है। तो आप देख रहे हैं एक तो डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स अच्छे हैं, बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास अच्छा है, चार्ट पैटर्न अच्छा है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो आप एक बार देख सकते हैं कि जैसे ही ये कंपनियाँ, इनको 5 से 10 साल होंगे, 5 से 10 साल होती साथ दोनों कंपनी किस तरीके से भागेंगी, क्या इनके ये जो अभी 875 दिख रहा है, शायद ये 5 और 10 साल बाद आपको 3000 4000 रुपये दिखे। ये जो आपको अभी 614 रुपये दिख रहा है, ये शायद आपको 3000 4000 दिखे 5 से 10 साल बाद। तो 5 से 10 साल अगर आप एक, जैसे कि मैं ऑलवेज बताता ही हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में भी इन कंपनियों में होगा। डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी मजबूत कंपनी है, कैश एंड बैंक बैलेंस रिजर्व्स एवरीथिंग इज फाइन, बहुत अच्छे कैश एंड बैंक बैलेंस भी रिजर्व्स भी है, डेट फ्री कंपनी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लॉन्ग आप थोड़ा थोड़ा शेयर कर ही सकते हैं। हम मैं समझ सकता हूँ कि सबके पास लाखों रुपए नहीं होते, बट कितने में मिल रही है, 614 रुपये में मिल रही है, महीने का एक एक शेयर भी उठाओगे इसमें, ठीक है, तो कितने शेयर हो जाएंगे आप खुद समझ सकते हो। और 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो किस तरीके के आपके पास गजब के पर पैसे आपके पास 5 से 10 साल में होंगे, आप खुद समझिए। ओके तो इन कंपनियों को मैं आपको नज़र बना के रखिए, और अपना डीमेट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया तो ओपन कराइए ज़ेरोधा और एंजल ब्रोकिंग जैसी साइट्स पे, और जाके शुरू करिए इन्वेस्टमेंट करना। बैंक में FD से ज़्यादा ये आपको रिटर्न देने की
काबिलियत रखते हैं। तो यहीं पर ही हम वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और अब जाने से पहले फिर एक बार आपसे विनती करना चाहूँगा, हमारे बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।